गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कल्पना मैम, हमारा लेसन चल रहा था बच्चों से पहले वाली वीडियो में प्रकाश देव प्रकाश यंग है ना। इस लेसन की मैं आपको दो वीडियो भेज चुकी हूँ और उन वीडियोज में हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम और हमारे दैनिक जीवन में अपवर्तन के क्या क्या उदाहरण है, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी है ना। प्रिज्म द्वारा प्रिज्म का अपवर्तन एवं वर्णक्रम क्या है ये हमने समझ लिया था। हमने समझ लिया था कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बच्चों एक बार रिवाइज करें तो लेंस किसे कहते हैं कि आपने देखा होगा जैसे घड़ी ठीक करने वाले होते हैं तो घड़ी उसकी घड़ी के पुर्जों को उनको कहते हैं घड़ी साज। घड़ी के पुर्जों को किस प्रकार ठीक करते हैं, एक लेंस होता है उनके पास, उससे यूँ देख के ठीक करते हैं क्योंकि उनसे उनको बड़ा दिखाई देता है। तो घड़ी साज जो है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करता है उसको हम लेंस कहते हैं है ना। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे कि हमने समझा था, ये देखिए ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है हमारा अवतल लेंस। ओके, दिस इज उत्तल लेंस एंड दिस इज अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है बच्चों, उत्तल लेंस में ये बीच से मोटा होता है और दोनों साइड पे पतला होगा। ये बीच से मोटा होगा और दोनों साइड किनारों पर ये नुकीला होता है ना, किनारों पर नुकीला होता है और बीच में ये मोटा होता है। ये है हमारा अवतल लेंस, ये है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है, ये किनारों पर मोटा होगा और बीच से पतला होगा। तो ये हमने पढ़ लिया था कि हमारे दो तरह के लेंस होते हैं और लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। उससे पहले हमने प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़े थे कि किस तरीके से रेज जाती हैं और वो अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार उसमें से निकलती हैं। तो हमने प्रतिबिंब बनने के लिए नियम पढ़ लिए थे कि क्या क्या नियम होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो इसमें अलग अलग पोजिशंस हैं, ये हमारी प्रतिबिंब बनने की स्थिति जो है वस्तु की पोजीशन पर निर्भर करती है कि वस्तु कहाँ पर रखी है, F पर रखी है या 2F पर रखी है या 2F से दूर रखी है या F और 2F के बीच में रखी है या फिर प्रकाशित केंद्र और F के बीच में रखी है। तो ये इस बात पर या उसकी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेंगे कि वस्तु हमारी कहाँ पर रखी है, प्रतिबिंब हमारा किस प्रकार बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। ये हमने समझ लिया था कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब मतलब कि हमें प्रतिबिंब के बनने का आभास होता है, आभास होता है मतलब कि वो किरणें मिलती नहीं है लेकिन अगर हम उनको मिलाएं तो वो जाकर हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा आभासी होता है और जो प्रकाश की किरणें रियल में मिलती हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अब हमारी फर्स्ट पोजीशन आती है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ये देखिए, अगर वस्तु हमारी प्रकाशिक केंद्र तथा F के बीच में रखी है, अगर हमारी वस्तु प्रकाशिक केंद्र और F के बीच में रखी है, ये देखिए ये हमारा है उत्तल लेंस MN, ठीक है ना, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। अगर हम इसको एक बार इस तरीके से बनाकर भी देखें, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस है ना, और ये इसके द्वारा हो गए MN, O हो गया इसका प्रकाशित केंद्र, O हो गया ये इसका प्रकाशित केंद्र। तो क्या बताया है हमको कि अगर हमारी वस्तु प्रकाशित केंद्र O तथा F के बीच में रखी है, O क्या है हमारा प्रकाशित केंद्र और F क्या है हमारा फोकस, तो ये हो गया हमारा O प्रकाशित केंद्र, ये हो गया हमारा F फोकस और 2F क्या होता है, F फोकस
फोकस की दुगनी दूरी, उसका दुगना, ये हो गया हमारा 2f। तो यहाँ पर ये कहा है कि अगर प्रकाशीय केंद्र O और फोकस F के बीच में हमारी वस्तु रखी है, ये है हमारी वस्तु, ये रही F और O के बीच में ये हमारी वस्तु है, ये रही। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब हमारा वस्तु के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। किस प्रकार बनेगा ये देखिए, ये हमारी वस्तु हो गई O और F के बीच में, तो एक प्रकाश की किरण जाएगी हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। ये हमने पढ़ लिया था कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। तो ये देखिए, ये प्रकाश की किरण फोकस से होकर जा रही है और दूसरी प्रकाश की किरण अगर प्रकाशित केंद्र से जाती है, तो अगर हमने ये समझा था कि अगर प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है तो वो अपने उसी मार्ग से आगे चली जाती है, ठीक है ना। तो ये किरण, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर तो कहीं नहीं मिल रही है ना, लेकिन अगर हम इनको पीछे मिलाएं, यहाँ पर अगर हम इनको पीछे मिलाएं तो ये हमें यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये देखिए। तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा इधर, वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे आभासी बनेगा। आभासी क्यों? क्योंकि इस प्रकाश की किरणें रियल में नहीं मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, है ना, इसलिए आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये पोजीशन हमारी हो गई कि अगर हमारा, हमारी वस्तु प्रकाशीय केंद्र O तथा F के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, वस्तु के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये हमने इसके चित्र द्वारा समझ लिया। अब हमारी सेकंड पोजीशन आती है कि वस्तु कहाँ रखी है, लेंस के फोकस पर। वस्तु हमारी रखी है लेंस के फोकस पर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा लेंस है, उसका लेंस, वस्तु कहाँ रखी है, हमारी फोकस पर। तो अगर हम पहले देखें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत मतलब कि बहुत दूर, इन्फिनिटी, अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। वास्तविक मतलब कि इसमें प्रकाश की किरणें रियल में मिलेंगी, है ना, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। तो ये हो गया हमारा लेंस, देखिए एम एन कहा, क्या कहा है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, है ना, वस्तु रखी है हमारी अनंत पर, नहीं वस्तु अनंत पर नहीं रखी है, वस्तु रखी है हमारी लेंस के फोकस पर। ये देखिए, वस्तु हमारी रखी है लेंस के फोकस पर, तो प्रतिबिंब इसका बनेगा अनंत पर, क्योंकि ये देखिए एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो वो फोकस से होकर चली जाएगी, ये हमें नियम में पढ़ लिया था। और एक प्रकाश की किरण हमारी प्रकाशीय केंद्र से गई तो वो ऐसे ही सीधी चली जाएगी। तो अगर हम इनको देखें तो ये दोनों किरणें हो सकता है अनंत पर मिलेंगे, है ना, अनंत पर मिलेंगे। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, अनंत पर, अनंत मतलब कि बहुत दूर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ये हमने चित्र के द्वारा समझ लिया। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाती है, वस्तु कहाँ रखी है अगर F और 2F के बीच में रखी। F क्या है, हमारा फोकस, और 2F क्या है, 2F हमारा फोकस की डबल दूरी, है ना। तो ये देखिए, ये है, अगर हमारी वस्तु F तथा 2F के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर, 2F से दूर, मतलब कि फोकस की डबल दूरी से दूर, 2F से दूर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। अब देखिए किस प्रकार बनता है, ये है हमारा लेंस MN, ठीक है, ये हमारा हो गया लेंस। वस्तु हमारी रखी है 2F और F के बीच में, ये हमारा 2F है, ये F है, यहाँ हमारी वस्तु रखी है 2F और F के बीच में रखी हुई है। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो वो अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएगी, वो फोकस से होकर चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण हमारी प्रकाशीय केंद्र से गई तो वो ऐसे ही चली।
चली जाएगी। तो ये दो प्रकाश की किरणें जो है जाकर अनंत पर मिलेंगी, इसलिए हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट पोजिशन आती है, अगर वस्तु हमारी 2F पर हो, 2F क्या है भाई, फोकस, F होता है हमारा फोकस और 2F फोकस की डबल दूरी है ना। तो अगर हमारी वस्तु 2F पर है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर 2F पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये याद रखेंगे, अगर हमारी वस्तु 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 2F पर ही बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा लेंस MN, उत्तल लेंस हो गया। वस्तु हमारी रखी है 2F पर, वस्तु हमारी 2F पर रखी है तो प्रतिबिंब भी हमारा लेंस की दूसरी तरफ 2F पर ही बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये देखिए, एक प्रकाश की किरण आ गई हमारी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हमें पता है कि अगर हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से गई तो वो ऐसे ही चली जाएगी सीधी। तो ये दो प्रकाश की किरणें कहाँ मैच हो रही हैं, 2F पर मैच हो रही है, लेकिन ये उल्टा बनेगा, वास्तविक और वस्तु के बराबर, मतलब कि जितनी हाइट की वस्तु होगी उतनी ही बड़ी हमारा, उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पोजीशन हो गई हमारी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट पोजीशन आती है कि अगर हम वस्तु को 2F से अधिक दूर रखें, मतलब कि वस्तु हमारी कहाँ रखी है, 2F से भी और दूर रखी है, तो देखते हैं कहाँ प्रतिबिंब बनता है। अगर हमारी वस्तु 2F से अधिक दूर रखी है, ये देखिए, ये है हमारा उत्तल लेंस, ठीक है, MN हमारा हो गया उत्तल लेंस, वस्तु हमारी रखी है 2F से दूर इस प्रकार, है ना, ये है हमारी वस्तु, ये हमारी हो गई वस्तु। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी ओर F तथा 2F के बीच, प्रतिबिंब हमारा बनेगा F और 2F के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, मतलब कि वास्तविक बनेगा, प्रकाश की किरणें वास्तव में मैच करेंगी, प्रकाश की किरणें वास्तव में मैच करेंगी, रियल बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, है ना। तो देखिए, एक प्रकाश की किरण हो गई हमारी ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से चली गई, एक प्रकाश की किरण हमारी प्रकाशित केंद्र से गई, तो ये दो प्रकाश की किरणें कहाँ मैच होती हैं, यहाँ पे मैच हो रही हैं इस तरीके से, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, F तथा 2F के बीच में, देखिए कहाँ मैच हो रही है ना, तो प्रतिबिंब हमारा F और 2F के बीच में बन गया, है ना, रियल और उल्टा और वस्तु से छोटा बन गया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट पोजीशन आती है, लेंस हमारा है उत्तल, ठीक है, वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, अगर हमारी वस्तु अनंत पर रखी है मतलब कि बहुत दूर रखी हुई है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमारा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F पर रियल उल्टा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो ये हम देख लेते हैं कि किस प्रकार बनेगा, देखिए ये है हमारा लेंस, उत्तल लेंस MN, ठीक है, ये हो गया इसका प्रकाशित केंद्र, ये हो गया हमारा इसका, ये हो गया इसका प्रकाशित केंद्र O, ये है इसका फोकस, ये है फोकस, ये हो गया फोकस, ये टू, ये हो गया इसका फोकस की डबल दूरी 2 है, इसी प्रकार इधर ये भी, ये हो गया हमारा फोकस, ये है हमारा प्रकाशित केंद्र। तो वस्तु कहाँ रखी है हमारी, अनंत पर रखी हुई है, तो प्रकाश की किरणें कैसे हैं, जब अनंत पर रखी है तो इसका मतलब प्रकाश की किरणें यहां से आ रही है, कैसे, ये है ना, इस प्रकार एक ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई, और ये हमें पता है कि अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष
क्रॉस करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब हमारा मतलब कि सारी प्रकाश की किरणें कहाँ पर मैच करी है, कहाँ पर क्रॉस करी, F पर। तो इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, F पर बनेगा, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, तो कैसा बना प्रतिबिंब हमारा, उल्टा बना, उल्टा रियल बना, ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो इस प्रकार हमारा प्रतिबिंब बन गया कि अगर हमारा प्रतिबिंब है अनंत पर तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा मतलब कि वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा उत्तल लेंस के द्वारा। तो हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेंगे, इसकी हमने सिक्स पोजिशन के अकॉर्डिंग हमने अध्ययन कर लिया कि वस्तु को अगर हम कहाँ पे रखें और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनते हैं ये हमने चित्र के द्वारा समझ लिया। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं वो हम समझेंगे। वो भी इसी तरीके से होगा कि अवतल लेंस में कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करेगा कि वस्तु कहाँ पर रखी है, जिस जहाँ पर वस्तु रखी है फिर प्रकाशीय किरणें बर्तन के पश्चात क्रॉस करेंगी और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं।